आज हमारे देश हमारी मिट्टी की शान जनरल जोरावर सिंह जी का बर्थ हम अनवील करने वाले हैं, जो अगेन रविंदर सिंह जम्वाल जी ने बनाया है। थैंक यू सो मच सर। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, क्षत्रिय समाज के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज क्षत्रिय समाज के कहनूर कहे जाने वाले जनरल जोरावर सिंह की पुण्यतिथि थी। तो भाइयों, आज उनकी पुण्यतिथि को मनाते हुए आज जम्मू यूनिवर्सिटी में इतिहास रचते हुए उनकी मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। तो भाइयों, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जम्मू यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति की स्थापना होना बड़ी बात है, और इस मूर्ति को जो स्थापना की है वो अरविंदर सिंह जम्वाल ने की है। वो खुद एक राजपूत हैं, डोगरा राजपूत ही हैं, डोगरा डायनेस्टी से संबंध रखती हैं, डोगरी बोलने वाले राजपूत। और इसके अलावा जनरल जोरावर सिंह भी एक डोगरा राजपूत हैं, जो हिमाचल के कहलूर से संबंध रखने की वजह से उनके जो वंशज आज कहलूरिया कराते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना में उनकी चौथी पांचवी छेवीं पीढ़ी जो चल रही है इस वक्त, रिया कलूरिया और दीक्षा कलूरिया, वो भी शामिल हुए, और बहुत ही अच्छा उपराला किया गया और इतिहास रचने का काम किया गया है। अब कोई भी जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएगा, या जम्मू का होगा या कश्मीर का, वो पहले जनरल जोरावर सिंह की एक राजपूत योद्धा, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर की बात करते हैं, हमारे जो PM हैं जे POK की, गिलगित बल्टिस्तान की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, लेह की बात करते हैं, ये सब जनरल जोरावर सिंह के मुद्दे पर है। चीनियों से जीता था लेह लद्दाख, और गिलगित बल्टिस्तान जीता था पठानों से। वो क्षत्रिय सूरमा था, जब वो मरा तो उसकी जात में जो दुश्मन सेना भी रोई थी, उसका मांस लेने के लिए, एक एक इंच मांस लेने के लिए दुश्मन सेना में जंग हुई थी, इतना बहादुर योद्धा था। भाइयों, बाकायदा तौर पे उस मूर्ति पर डोगरा भी लिखा गया है, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इतिहास चोरी ना करें, और उनके वंशज जो हैं देवेंद्र सिंह कलूरिया, वो भी लिखा गया है, जो उनके वंशज हैं डायरेक्ट, जो उनकी पीढ़ी चल रही है रियासी में। तो भाइयों, उनकी जो संस्था चल रही है जनरल जोरावर सिंह की, उनके द्वारा ही ये मूर्ति की स्थापना करवाई गई है, जहाँ के LG भी मौजूद रहे, और पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी में ये मूर्ति लगना बहुत ही बड़ी बात है।